दिखाती हूँ चल के, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी अंदर तो मैं गई हूँ, लेकिन जो है और आगे तक मुझे जो है आप सबको दिखाना है, तो अभी दूसरे नहर पे चलते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बिहार से ज्यादा पानीपत में होता है भीड़। जय छठ मैया, छठ मैया की जय हो। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो देख सकते हो आप, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं, और जो है प्रबंध भी बहुत अच्छा किया गया पानीपत हरियाणा के नहर पर। सो अभी मैं आपको और आगे चलकर दिखाती हूँ और दर्शन कराती हूँ छठ माता के। तो दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जिसमें 3 दिन का निर्जला व्रत रखा जाता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और अपने आप में ये महान अपार शक्ति है जो छठ माता जो व्रत रखने वालों को प्रदान करती हैं। और उनके अंदर ऐसी शक्ति आती है जो आप देख सकते हो पानी के अंदर भी घंटों घंटों खड़ी रहती है बिना खाए बिना पिए। सो दोस्तों, ये नज़ारा जो है देखने के लिए पूरा एक वर्ष एक साल जो है इंतजार करना पड़ता है, और अपने आप में जो व्रत रखती हैं उनसे आशीर्वाद लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में पुण्य का काम है। सो दोस्तों, ये पानीपत के अंदर जो प्रबंध किया गया है ना छठ पूजा के लिए, वो अपने आप में बेहतरीन प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है। क्योंकि देख सकते हो आप, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूसरा नहर दिखाने वाली हूँ जिसमें से ये पानी जो है छोड़ा गया है, और छठ पूजा के लिए स्पेशल अलग अलग जगह पर जो है घाट बनाया गया है, और ताकि छठ पूजा करने वालों को बिहार से यूपी से जहां से भी लोग छठ पूजा करते हैं इस महापर्व को करते हैं, उन्हें ये महसूस ना हो कि वो अपने शहर में नहीं है अपने घर पर नहीं है। तो ऐसा प्रबंध जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक वही नज़ारा वही दृश्य आपको देखने को मिल रहा है जो बिहार में आज के दिन आज की शाम और सुबह जो है देखने को मिलता है छठ पूजा वाले दिन। ठीक वही नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ पानीपत हरियाणा से सीधा, और ये पानीपत का नहर है जहाँ पर जो है छठ पूजा किया जा रहा है। मुंबई में भी बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया छठ पूजा के लिए, और समुद्र किनारे जो है लोग छठ पूजा कर रहे हैं। तो अपने आप में ये दृश्य देखना अपने आप में पुण्य का काम है, सौभाग्य का काम है, और मैं भी बहुत दूर से चलकर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं भी देखने के लिए दर्शन करने के लिए। तो अब तक जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया नहीं लिखा है तो जरूर लिख डालिए जय छठी मैया, और ये नजारा देखिए जरा कितना प्यारा नजारा है। और कहते हैं आज के दिन जो भी छठ माता से मांगते हैं ना उनको जो है मिलता ही मिलता है, तो आपके मन में जो भी इच्छा हो जरूर मांग डालिए छठ माता से। तो ये पंजाब से चलकर और सीधा हरियाणा होते हुए दिल्ली जाती है ये नहर, और नहर में कितना ज्यादा पानी है ये आप देख सकते हो। तो ये नहर जो है पानी देता है 3 राज्यों को, हरियाणा पंजाब और दिल्ली, और ठीक इसी नहर से है दोस्तों छठ पूजा के लिए जो है पानी छोड़ा गया है अलग अलग जगह पर, ताकि जो है छठ पूजा करने वालों को छठ फेस्टिवल मनाने में जो है कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना आए। तो दिल्ली हो हरियाणा हो पंजाब हो मुंबई हो हर जगह छठ पूजा का रौनक जो है देखने को मिल रहा है, और अपने आप में सौभाग्य की बात है दोस्तों। तो अब तक कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया नहीं लिखा है तो जरूर लिख डालिए, और मस्ती कुंज का जादू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली व्लॉग इससे भी ज्यादा शानदार होने वाली है दोस्तों।